चार चीजें होनी चाहिए जीवन में, और अगर ये चार साधन नहीं है तो भटक सकता है जीवन। ये चार आपके साधन में, आपके मार्ग में, आपने जो मार्ग लिया है, आपने जो साधन लिया है, जिस ढंग से आप जय सिद्धि शक्ति सामर्थ्य विभूति विद्या लोक परलोक की अनुकूलताएं चाहते हो, उसमें चार चीजें चाहिए। पहला, आपका साधन वेद विहित हो। दूसरा, शास्त्र सम्मत हो। तीसरा, महाजन द्वारा आचरित हो। चौथा, गुरु द्वारा उपदेशित हो। वेद विहित वो भटकाएगा नहीं आपको, वो अपारोषीय है, वो अयोनिज है, वो सबके लिए है, वो सार्वभौम है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन है, सामायिक है, प्रासंगिक है, उनका हर पल रेलेवेंस है, हर पल उनका रेलेवेंस है कोई, उसे कहेंगे वेद। इसलिए आपके मार्ग में आपका मार्ग वेद विहित हो, दूसरा शास्त्र सम्मत हो, और तीसरा महाजन द्वारा आचरित हो। का पंथा, कौन से रास्ते से चलें, किस मार्ग से चलें। जिस तरह से महापुरुष गए, जनो येन गता स पंथा, महाभारत में तो उसको धर्म बता दिया। महर्षि वेदव्यास कहते हैं यह धर्म है, इसी को धर्म मान लो। बड़ी बात कह दी उन्होंने, कैसे ये धर्म है? बोले जिधर से महापुरुष जा रहे हैं, जिधर से आपके माता पिता गए, परंपरा से आचार्य गए, उसी का अनुसरण करना। चूंकि शास्त्र आपको भटकाएगा नहीं, वेद आपको भ्रमित नहीं करेंगे। कपंथा ये मार्ग है, महाजन द्वारा आचरित मार्ग का अर्थ है उन्होंने उस पर आचरण किया हो। छुरस्य धारा निश्चता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती, कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा है तो भाई बड़ा कठिन। ये छुरा शब्द संस्कृत भाषा का है, छुरस्य धारा, तलवार की धार पे चलना, ये छुरा शब्द है, ये संस्कृत भाषा का है छुरा, और उसकी भी पतली वो बहुत उसके महीन धार जिससे प्रहार होता है, भंजन होता है, वो शस्त्र जिससे विघटित खंडित होती है वस्तुएं, धार। कई बार तो लोहा ही लोहे को काट रहा होता है, या कितनी और तीक्ष्म और सूक्ष्म कितनी ही आ गई होंगी चीजें जो टुकड़े टुकड़े कर सकती, महीन, पर इतना बहुत तेज है वो छुरस्य धारा, उस पे चलने जैसा है। निश्चता दुरत्या बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं, बहुत सरल है, संकल्प होना चाहिए। ये तुलसी बाबा का मंगलाचरण बता रहा था मैं रामायण में, ये मंगलाचरण है जिसमें अगली बात वो अद्भुत कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम, कितनी बड़ी बात कहते हैं, जिससे नित्य आपको बोध मिले। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणं यमाशतो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते।